समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक बयान देकर आपसी रस्साकशी और खींचतान को और बढ़ावा दे दिया। जेडीयू नेता का कहना है कि राम गोपाल यादव के कारण समाजवादी पार्टी का जनता पार्टी में विलय नहीं हुआ। राम गोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को गुमराह किया। जेडीयू नेता के मुताबिक जब विलय की बात चल रही थी तो राम गोपाल ने जानबूझकर एक ऐसा प्रस्ताव बनाया जिस पर कोई भी सहमत हो ही नहीं सकता। इस प्रस्ताव के मुताबिक विलय के बाद गठित नई पार्टी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह और झंडा समाजवादी पार्टी जैसा होगा। इस पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे। इसमें यह भी कहा गया था कि विलय की औपचारिकता पूरी होने तक बिहार चुनाव में पार्टी एसपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। जेडीयू नेता के मुताबिक इस प्रस्ताव में ऐसे प्रावधान थे जिससे दूसरी पार्टियों की खुद की पहचान खत्म हो जाए। इसके बाद भी तत्कालीन जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताकर उन्हें चौंका दिया। तो बाद में रामगोपाल यादव ने बिहार में कम सीट मिलने की बात कहते हुए विलय से किनारा कर लिया। तो यह आरोप लगाया केसी त्यागी ने कि रामगोपाल यादव ने जानबूझकर गुमराह किया है। केसी त्यागी ने यह दावा किया है कि रामगोपाल ने जानबूझकर ऐसा प्रस्ताव तैयार किया था ताकि इसे खारिज कर दिया जाए। इस प्रस्ताव में ऐसे प्रावधान थे जिससे अन्य पार्टियों की स्वयं की पहचान न रह जाए, लेकिन तत्कालीन जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताकर उन्हें चौंका दिया। बाद में रामगोपाल ने बिहार में कम सीट मिलने की बात कहते हुए विलय से मुंह फेर लिया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को गुमराह किया है। तो ये केसी त्यागी का दावा है।